गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई जेपी गंगा पाथवे के बारे में कुछ अपडेट दिखाइए। तो गाइस आप देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूं गाय घाट के पास। और गाइस आपको मैं बता दूं कि यहां गाय घाट से आगे जो फेज 3 का काम चल रहा था वो अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो क्या अपडेट है, काम कितना पूरा किया गया है, वो आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और गाइस मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट दिखाया था कि यहाँ गाय घाट से आगे गडर की लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो चलिए फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और कहाँ तक गडर की लॉन्चिंग की गई है, काम कितना आगे बढ़ चुका है, वो तमाम चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वैसे गाइस आपको मैं बता दूं कि गंगा पाथवे के नीचे जो सर्विस रोड है उसका भी काम स्टार्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सर्विस लेन चालू हो चुकी है। तो अगर आप गाय घाट की तरफ से आ रहे हैं तो इस सर्विस लेन का इस्तेमाल करते हुए आप भद्र घाट की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसी रास्ते से लेकर चलता हूँ भद्र घाट की तरफ। और जो गडर की लॉन्चिंग की जा रही थी उसका तमाम आज मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा और कब तक ये काम पूरी तरह से बनकर कंप्लीट होगा, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना बिहार से जुड़ी हुई ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रहा पटना जेपी गंगा पाथवे का फेज 2 जो कि गाय घाट तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब यहां से आगे यानी गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक जो फेज 3 का काम है उसे काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। तो गाइज चलिए फिर मैं आपको नीचे लेकर चलता हूं और इस जेपी गंगा पाथवे गाय घाट के पास से लेकर जो एक सर्विस लेन तैयार किया गया है जो की आगे भद्र घाट होता हुआ कंगन घाट की तरफ चला जाता है उसके थ्रू मैं आपको लेकर चलता हूँ। और ये जो स्लैब लॉन्चिंग का काम है ये कहाँ तक कम्प्लीट कर लिया गया है वो तमाम चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं इस सर्विस लेन से भद्र घाट की तरफ। तो गाइज आप देख सकते हो अभी मैं हूँ गाय घाट के ठीक नीचे तैयार किए गए सर्विस लेन पर। और गाइज आपको ठीक मेरे ऊपर ये जो स्लैब लॉन्चिंग का काम है वो इन पिलरों के ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट दिख रहा होगा। और गाइज जिस रास्ते से मैं होकर जा रहा हूँ यहाँ पहले किसी भी तरह का यहाँ कोई रास्ता नहीं था, पूरी तरह से ब्लॉक था ये, बट अब आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन को काट कर यहाँ पर बिल्कुल रोड निकाल दिया गया है। और यही रोड आगे आपको भद्र घाट से होता हुआ सीधे आगे नौजर घाट कंगन घाट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये एक नई कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अगर आप नीचे इस सर्विस लेन से आ रहे हैं। और गाइस अब बात करूँ इस जेपी गंगा पाथवे की जो स्लैब लॉन्चिंग का काम है वो कहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है, तो आप देख सकते हैं सामने इधर गाय घाट से लेकर ये काम आपको आगे काफी दूर तक देखने को मिलेगा। आप यहाँ ड्रोन शॉट में भी देख सकते हैं ये जो यहाँ स्लैब लॉन्चिंग का काम है वो गाय घाट से कनेक्ट होता हुआ आपको आगे काफी दूर तक देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मैं आपको यहां से और आगे लेकर चलता हूं। और फेज 3 में जो यहां गाय घाट से लेकर नौजर घाट के बीच वाले पिलर के ऊपर गडर की लॉन्चिंग का काम होना बाकी है वो कहां तक कंप्लीट कर लिया गया है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। तो चलिए फिर यहां से आगे चलते हैं। और गाइज यहाँ मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ये जो जेपी गंगा पाथवे है ये इस सर्विस लेन को क्रॉस करता हुआ सीधे गंगा नदी की तरफ चला जा रहा है। यानी ये जो जेपी गंगा पाथवे है ये यहाँ के बाद से सीधे आपको गंगा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं फेज 3 में जो ये जेपी गंगा पाथवे के स्लैब लॉन्चिंग का काम है वो आपको इस सर्विस रोड को क्रॉस करता हुआ यहाँ इस पिलर के ऊपर तक कंप्लीट कर लिया गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब ये काम पिलर नंबर 149 से लेकर पिलर नंबर 150 तक आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी स्लैब लॉन्चिंग मशीनों को लगाने का काम चल रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको यहां से और आगे लेकर चलता हूं। और यहां जो आपको सामने ये सारे पिलर दिख रहे हैं यानी अब कितने और पिलर के ऊपर ये स्लैब लॉन्चिंग का काम होना बाकी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि इस जेपी गंगा पाथवे का फेज 1 और फेज 2 का काम तो काफी पहले ही कम्प्लीट किया जा चुका है,
वहीं बात करूं फेज थ्री की तो ये गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक तैयार किया जा रहा है, जिसमें नौजर घाट से लेकर कंगन घाट तक वाला जो पोर्शन है वो काफी पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। बस जो मेन काम बचा हुआ है वो आपको यहाँ गाय घाट से लेकर नौजर घाट के बीच ये सारे जो पिलर आप अभी देख रहे हैं इनके ऊपर ही स्लैब लॉन्चिंग का काम होना बाकी है। यानी ओवरऑल फेज थ्री के अगर काम की बात करूं तो मान के चलिए कि 80% काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रखा है, बस 20% काम आपको यहां होता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मैं आपको यहां से आगे नौजर घाट के पास लेकर चलता हूं, जहां से आगे आपको कंगन घाट तक वाला काम पूरी तरह से कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। तो गाइज आप सामने देख सकते हैं अभी मैं उस तरफ से होता हुआ आया हूं और सामने आपको स्लैब लॉन्चिंग का काम होता हुआ भी दिख रहा होगा और वहां से लेकर ये काम आपको बस इन कुछ पिलर के ऊपर होना बाकी रह गया है। और अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं ये काम यहां पिलर नंबर 161 से लेकर आगे कंगन घाट तक पूरी तरह से कम्प्लीट हो रखा है। और मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ स्लैब लॉन्चिंग का काम बल्कि पिचिंग का काम, डिवाइडर का काम या फिर साइड बैरियर, ब्लैक टॉप लेयर सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ आप ड्रोन शॉट में भी देख सकते हैं इस जेपी गंगा पाथवे का काम यहाँ नौजर घाट से लेकर कंगन घाट तक पूरी तरह से कंप्लीट है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब बस इन कुछ पिलर के ऊपर ही ये काम होना बाकी है और जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है फिर आप सीधे अपनी गाड़ियों के थ्रू दीघा से लेकर यहाँ कंगन घाट तक बड़े ही आसानी से और कुछ मिनटों के अंदर ही इस जेपी गंगा पाथवे के थ्रू आना जाना कर पाएंगे। तो गाइस आइए अब मैं आपको कंगन घाट के तरफ लेकर चलता हूं और उस तरफ का काम तो काफी पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था तो उसकी भी एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं कंगन घाट के पास और ये रही वो कनेक्टिविटी जिससे होकर आप इस शानदार से जेपी गंगा पाथवे पर आना जाना करेंगे। और गाइस यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि गाय घाट से कंगन घाट के बीच करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में कोई भी कनेक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी गाय घाट के बाद जो अगली कनेक्टिविटी होगी वो आपको यहां कंगन घाट के पास देखने को मिलेगी। तो इसी को देखते हुए बिहार राज्य पुल विकास निगम के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों घाटों के बीच यू टर्न या एक छोटा सा गोलंबर बनाया जाएगा जिससे गाय घाट और कंगन घाट से आने जाने वाले लोगों को थोड़ी सुविधा मिल सके। तो गाइज अब बात करते हैं कि ये जेपी गंगा पाथवे का जो फेज थ्री है इसका काम कब तक कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि फेज थ्री के कंप्लीट होने में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप देख ही सकते हैं इधर कंगन घाट से लेकर आगे नौजर घाट तक इस जेपी गंगा पाथवे का पूरा काम कंप्लीट हो रखा है। वहीं नौजर घाट से आगे भद्र घाट के बीच जो स्लैब लॉन्चिंग का काम है वो भी काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। तो मान के चलिए कि मार्च 2024 के लास्ट तक ये काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा और आई थिंक मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इस जेपी गंगा पाथवे के फेज थ्री को भी चालू कर दिया जाए। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ये था यहाँ जेपी गंगा पाथवे के फेज थ्री का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना बिहार से जरूरी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।